आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 आईपीएस अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। आप सोच रहे होंगे एक साथ भला 3 आईपीएस अफसर को क्यों सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल मुंबई की अभिनेत्री कादंबरी जेठवानी को गलत मामले में अरेस्ट करने के मामले में इन 3 आईपीएस अफसर को सस्पेंड किया गया है। इनमें से एक अधिकारी डीजी रैंक का है। इनको यूपीएससी के नियम 3/1/1969 के तहत सस्पेंड किया गया है। अगस्त के पहले सप्ताह में जेठवानी ने एनटीआर जिला पुलिस कमिश्नर के सामने शिकायत दर्ज की थी। अपनी शिकायत में जेठवानी ने कहा कि पुलिस ने उनको और उनके पिता को अरेस्ट करके विजयवाड़ा ले गई। 3 दिन बाद हमें कोर्ट में पेश किया गया। जेठवानी ने पुलिस अफसर पर मेंटल टॉर्चर का भी आरोप लगाया। इससे पहले आंध्र प्रदेश पुलिस के डीजीपी ने शिकायत मिलने के बाद जांच के आदेश दिए थे, जिनमें 3 आईपीएस दोषी पाए गए हैं। जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है उनमें पूर्व खुफिया प्रमुख पी सीताराम अंजनेयुलु डीजी रैंक के ये हैं, पूर्व विजयवाड़ा पुलिस आयुक्त क्रांति राणा टाटा महानिरीक्षक रैंक के हैं और पूर्व पुलिस उपायुक्त विशाल गुन्नी अधीक्षक रैंक के हैं, ये शामिल हैं। पूरा मामला क्या था ये भी जान लीजिए। मुंबई की रहने वाली कादंबरी जेठवानी ने अगस्त में एनटीआर पुलिस आयुक्त एसवी राजशेखर बाबू के पास एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता और फिल्म निर्माता विद्यासागर ने फरवरी में उनके खिलाफ जालसाजी और जबरन वसूली का मामला दर्ज कराया था। कादंबरी जेठवानी ने आरोप लगाया था कि शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने विद्यासागर के साथ मिलकर उन्हें और उनके माता पिता को परेशान किया, उन्हें गिरफ्तार किया और बिना किसी पूर्व सूचना के मुंबई से विजयवाड़ा ले गए। विद्यासागर ने जेठवानी और उनके पिता को फंसाने के लिए जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे और पुलिस ने उन्हें कई दिनों तक जमानत याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 आईपीएस के खिलाफ जो निलंबन आदेश जारी किया है उनमें अधिकारियों की मनमानी सामने आई है। सरकारी आदेश में कहा गया है, रिपोर्ट पर सावधानीपूर्वक विचार करने और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं और उनके गंभीर कदाचार और कर्तव्य के प्रति लापरवाही के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। हैरान करने वाली बात यह है, कादंबरी जेठवानी के खिलाफ FIR 2 फरवरी को दर्ज की गई थी लेकिन गिरफ्तारी के आदेश 31 जनवरी को जारी कर दिए गए थे। कादंबरी जेठवानी एक मॉडल और अभिनेत्री हैं। 2015 में फेमिना मिस गुजरात का खिताब जीता था। वह फेमिना की कवर गर्ल रह चुकी हैं। कादंबरी जेठवानी हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में अपने अभिनय के लिए प्रदर्शनीय हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।